रोध है आपको युवाओं से इतना ज्यादा क्यों आप चिड़ा आपको मचती है युवाओं को लेकर आज आप चिराग पासवान को आप बच्चा बोल रहे हैं बट कभी ना कभी मुख्यमंत्री जी जब आपने भी राजनीति की शुरुआत की थी आप भी बच्चा ही थे आप खुद गिनाते बुनाते नहीं थकते कि मैं छात्र आंदोलन से निकला हूं मैं छात्र आंदोलन से निकला हूं जेपी के वक्त हम लोग छात्र आंदोलन में थे भाई मेरे खुद के पिताजी छात्र आंदोलन से निकले मेरे खुद के पिताजी जेपी के साथ उन्होंने छात्र आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया उसी 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 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी निकले तो आज आपको जो बच्चा दिखता है आप अपना अतीत काहे के लिए भूल जाते हैं भैया आप भी वहीं से निकल कर और मैं मानता हूं यकीनन मैं आपका श्रेय नहीं ले रहा आपने संघर्ष किया होगा और आप यहां तक आप पहुंचे हैं पर बिहार के बाकी युवा को आप इतनी हीन भावना से क्यों देखते हैं क्यों आपको लगता है कि भैया बिहारी युवा कुछ कर नहीं सकता और उनके बारे में जब भी आप शब्द निकालते हैं या तो बिहार के युवाओं पर आप लाठी चलाते हैं या बिहार का युवा चिराग पासवान जैसा कोई आपसे सवाल पूछता है तो उसको बच्चा 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 कह के मुझे भाई आपको जो कहना कहिए आप मुझसे बहुत बड़े उम्र में और हकीकत में बच्चे की उम्र का हूँ मैं आपके पर अगर इस बच्चे ने एक मॉडल बनाकर उस मॉडल की वजह से अगर आपकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया तो मुख्यमंत्री जी समझिए बिहार के बच्चों में कितना जोश है और कितना आक्रोश है आपके खिलाफ ये भी उन्हीं को समझना होगा और सवालों के जवाब इन्हीं को देने अंतर उन्होंने कहा कि मेरा काम है इनको आगे बढ़ाना नहीं अच्छी बातें करें भाई उनको आज उनको आ, इस उप मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाने का, का, का काम लगता है कल तक उनको किसी और उप मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाने का काम लगता था जब तक ये मुख्यमंत्री हैं ये उप मुख्यमंत्रियों को बदल बदल के उनको आगे बढ़ाने का काम करता है क्या देखते हैं है? है? भाई मैं ईमानदारी से बोलूँगा बहरहाल अब ज्यादा दिन बचे भी नहीं है चुनाव परिणाम भी छः तारीख को आ जाएंगे और तीन तारीख को मतदान है मोकामा कल मैं खुद गया था और मैं व्यक्तिगत अनुभव से ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं गया नहीं था मुझे भी जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे क्या माहौल है नहीं है पर जिस तरीके से मकामा में एक तरफ़ा लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है और कल से रात से जिस तरीके से मुझे फ़ोन मुझे मैसेजेस भाजपा के कई बड़े नेताओं के संदेश जिस तरीके से मुझे मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आ, मुझे लगता है दोनों सीट और गोपालगंज के लिए भी हम लोग को अच्छे वो मिल रहे हैं मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं अब जीत का मार्जिन कितना होगा उसके लिए जरूर संघर्ष हो सकता है क्या कारण कारण मानते हैं दोनों जगह में से कहीं सीएम नहीं गए। क्या कारण आप अब बताइए ना ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री जी बख्तियारपुर बगल का वहाँ से आप मुकामा नहीं जाते हैं तो ये अपने में दर्शाता है कि गठबंधन में ईमानदारी तो आप नहीं बरत रहे हैं ना यही अच्छा ईमानदारी से मुझे बता दें कि अगर यही चुनाव जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट लड़ रहे होते तो क्या तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं जाते ये बात राजद के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाई मुख्यमंत्री जी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं उनका बोलने का चेहरा कुछ और होता है और भीतरी चेहरा उनका कुछ और होता है वो आपको दिखा रहे हैं कि आपके साथ हैं बट भीतर घात करने में मुख्यमंत्री जी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और है 2019 के चुनाव में हम लोग खुद भुगते हुए हैं भैया किस तरीके से साथ में रहकर कर वो भीतरघात करने का काम करते हैं अपने नेताओं से अपने पदाधिकारियों से जिस तरीके से वो एक माहौल बनाते हैं एक दूसरे के विरोध में ही और गठबंधन को ही धोखा देने का काम करते हैं ऐसे में मुझे कोई भी बता दे कि भैया अगर जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव लड़ रहा होता अगर तीर छाप वहाँ पर होता तो क्या तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं जाते मुख्यमंत्री जी को डर है भाई गणित समझने की ज़रूरत है मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि दोनों सीटें राजद हारे क्योंकि यही दो सीटों की कमी राजद को पड़ रही है बहुमत में आने के लिए अगर आप संख्या बल देखें माझी जी, जी की पार्टी के विधायक कांग्रेस के विधायक मिला दें आप सी पी आई सी पी एम के विधायक अगर आप मिला दें तो महज दो तीन सीटें ही इनको कम पड़ रही हैं राजद को अपनी सरकार बनाने के लिए तो अगर वो दो सीटें भी अगर इनके पास चली जाती हैं तो मुख्यमंत्री जी की कोई पूछ उस गठबंधन में होगी नहीं इसी डर से और अभी तो ये दो ही उपचुनाव है अभी तो कुर्नी का भी एक उपचुनाव आना है तो ऐसे में अगर पूरा बहुमत अगर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को अगर मिल गया तो उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को पूछेगा कौन तो ये भी एक डर है जिसमें भीतरघात करने का प्रयास मुख्यमंत्री का एक सवाल पूछ रही है कि अचानक बीजेपी प्रेम कैसे आपका सामने आ गया जेडीयू कैसे पूछ रही है मुझसे ये सवाल क्योंकि जेडीयू तो निरंतरता में कहती रही है कि मेरा तो बीजेपी प्रेम रहा ही है वो तो हमेशा बोलती रही है और हकीकत है भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरे लिए बिहार हित से ऊपर कुछ नहीं है राज्य हित से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है और जब जब जो जो फैसले मेरे नेता ने लिए हूँ या चिराग पासवान ने लिए हूँ वो से बिहार हित में मैंने लिया अगर मुझे व्यक्तिगत हित देखना होता भाई मैं 2020 का चुनाव गठबंधन में लड़ता जितनी सीटों पे लड़ता उतनी सीटें मैं जीतता केंद्र में मंत्री होता बिहार में मेरे मंत्री होते पर यह व्यक्तिगत हित होता पर मेरा राज्य हित ये कहता है कि मैं मुख्यमंत्री जी की नीतियों का की खिलाफत करता हूँ अगर मुझे नहीं विश्वास है मुख्यमंत्री जी की नीतियों पे तो मैं उसके खिलाफ रहूँगा और मैं रहा 2020 में भी आज भी मैं पुनः मैं कहता हूँ कि जब तक मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं एकमात्र व्यक्ति और एकमात्र पार्टी जिससे मेरा विरोध निरंतरता में था और रहेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ही है और जब तक उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटा नहीं लूँगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूँगा